एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं हमेशा, तो वो आप मिस नहीं करोगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या कोई एग्जाम देना पड़ेगा, किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीयूईटी का पेपर देना होगा। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। फॉर्म में आपको एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था अकाउंटेंस। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डोमेन सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज के अलावा, मतलब एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है और उस लैंग्वेज के अलावा आपको अकाउंटेंसी सेलेक्ट करना है। तो ये आप ध्यान रखोगे, बीकॉम 4 साल का कोर्स है यहाँ के लिए, और ये अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स भी सेलेक्ट कर रहे हो एक लैंग्वेज के साथ साथ, मतलब एक लैंग्वेज चाहिए एक मैथमेटिक्स चाहिए, इन्हीं दोनों का मार्क्स ऐड करके आपका यहाँ पे बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि अकाउंटेंसी की सिलेबस क्या होगी। तो सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि क्या सिलेबस होगा इसका, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग के लिए जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है, और आप यहाँ पे देख सकते हो 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब सिलेबस में सबसे पहला जो यूनिट है आपका वो है अकाउंटेंसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला यूनिट है। और मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपका यहाँ पे पहला यूनिट है। और पहले यूनिट में ये सारी चीजें हैं। ये आपको, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है अकाउंटेंसी की, आप उससे पढ़ सकते हैं। जो भी बुक, मतलब अगर आपके पास एनसीईआरटी है अकाउंटेंसी की तो आप वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप सेकेंड यूनिट है, और इसमें भी दो चैप्टर आप देख रहे हो, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में आपको पढ़ना है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपका थर्ड यूनिट है, और इसमें भी आपको देख रहे हो 4 चैप्टर्स हैं, और इन सभी को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, और ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। PYQ जरूर देखिएगा, सबसे पहले आपको PYQ देखना है। मैं जब भी तैयारी करने की बात करती हूँ तो सबसे पहले बात करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। सेकेंड काम आपका होता है सिलेबस को देखना, कि सिलेबस को आप देखिए कि क्या सिलेबस है और उस सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है, आपके पास क्या बुक्स अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो कहाँ से अरेंज करना है, हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद थर्ड आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके एग्जाम के लिए रहेगा, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। और उसके बाद चौथा आपका आता है मॉक टेस्ट, मॉक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हमारे पास मॉक्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, अभी ऑफर चल रहा है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हो बीकॉम करना, कहीं से भी बीकॉम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास मॉक्स अवेलेबल हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगला जो यूनिट है हमारा वो है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इसमें एक चैप्टर है आपका मीनिंग सेटलमेंट एंड अकाउंट्स। इसके बाद है कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि यूनिट 5 है, और इसमें आपका अकाउंटेंसी फॉर शेयर एंड डिपेंचर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि यूनिट 6 में है। यूनिट 7 की बात करो तो एस्टिमेट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन। इसके बाद है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जो जिसमें आपके यूनिट 1 में है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो ये इतने सारे टॉपिक्स आपको हैं जो कवर करने हैं, और आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आप चाह रहे हो कि एडमिशन हो जाए तो इन सभी सिलेबस को अभी से बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, और मॉक लगाना भी अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, एक एक चीज़ों को कंप्लीट करते चलिए और मॉक टेस्ट देते चलिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास मॉक्स इसके लिए अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, बहुत ज़्यादा आपको फी पे नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये है आपका
महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने का तरीका, मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंसी सेलेक्ट करना होगा या मैथमेटिक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, प्लस एक लैंग्वेज लेना है। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने 12th में क्या लिया था, वही लीजिएगा जो आपका 12th में रहा होगा। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों रहते हैं बच्चों के, बट इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे और इन सभी चीज़ों को पढ़ोगे। अगर आप डिमांड करोगे तो हम और भी इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर बीकॉम के बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाह रहे हो कि बीएचयू से बीकॉम करें तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है तो आपको पता होगा क्या क्या आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, अगर नहीं तो हमें बताइएगा। वैसे वहाँ के लिए जनरल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और लैंग्वेज, ये चार सब्जेक्ट आपको उसके लिए चाहिए, तभी आपका एडमिशन बीएचयू में हो सकता है। तो बीएचयू के अलावा भी अगर आप कोई यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हो तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हो जाता है, क्योंकि बीएचयू का फी भी अगर देखो तो 20,000 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे अभी आपका 15,000 पर एनम फी लगेगा जो कि बहुत ही मिनिमम फी है। तो बहुत मिनिमम फी में एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अपनी बीकॉम की डिग्री हासिल कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू।